आईबीएन 9 न्यूज़ में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत हंडिया के सचिव कैलाश योगी द्वारा 24 सितंबर की शाम ग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत हंडिया के आदिवासी सरपंच लखनलाल बिलाला के साथ मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के विरोध स्वरूप आज हंडिया की जनता सड़क पर आ गई। स्थानीय लोगों ने रुद्रनाथ मंदिर से हंडिया पुलिस थाने पर वाहन रैली निकालकर थाना प्रभारी सीएस सरियाम को पुलिस अधीक्षक एवं थाने से तहसील ऑफिस तक रैली निकालकर सरपंच के सम्मान में हंडिया की जनता मैदान में सचिव हटाओ गांव बचाओ आदि के नारे के साथ तहसीलदार एसडी कटारे को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाए, पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए एवं उसकी चल अचल संपत्ति की जांच की जाए। पंचायत सचिव पर एक सप्ताह में अगर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम किया जाएगा एवं सरपंच उप सरपंच और पंचों द्वारा सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंपा जाएगा। हंडिया से अवधेश तिवारी की रिपोर्ट। तहसील में एकत्र क्यों हुए हैं आज सभी ग्रामवासी? इसलिए गांव यहां इकट्ठे हुए हैं तहसील में ज्ञापन देने के लिए। पहले हम लोगों ने थाने में ज्ञापन दिया, इसके बाद तहसील में ज्ञापन दिया और गांव पूरे गांववासियों की ये मांग है कि 24 तारीख को घटना घटी थी जिसमें सचिव ने सरपंच के साथ मारपीट की थी। चूँकि हमारा सरपंच एक आदिवासी पुरुष है, उसके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि जो उसने झूठी रिपोर्ट किया था हमारे बच्चों की, उसके खिलाफ बच्चों के खिलाफ पूरी कार्रवाई करके उन पर FIR दर्ज करके पूरा काम हो गया। लेकिन जो हमारे सरपंच ने रिपोर्ट की थी उसकी, उस पर कोई आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और ना उसकी गिरफ्तारी की है, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि हमारा सरपंच आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी के मामले में तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पुलिस हाथ में हाथ धर के बैठी है, कोई काम नहीं कर रही है। और दूसरे पूरे गाँव के लोग ये चाहते हैं कि उस विवादित सचिव को तुरंत निलंबित किया जाए और यहाँ से उसको हटाया जाए, क्योंकि वो पहले भी पूर्व में भी विवादों में बना हुआ है, कई बार उसने लोगों की रिपोर्ट की है। ये पूरे गांव वालों की ऐसी मांग। आपका नाम बताएं। और मेरा नाम विशाल वाल्मीकि है और आज हम सब लोग यहां पे सचिव ने जो 24 तारीख को सरपंच के साथ आदिवासी सरपंच के साथ मारपीट की थी उस विषय में ज्ञापन देने आए तहसीलदार महोदय जी को, जिसमें जो कि सचिव के बिल्कुल भी व्यवहार ठीक नहीं है, गरीबों के साथ अभद्रता का व्यवहार करता है वो, उसके बोलने के तरीके बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। मैं खुद गया था अपने काम के लिए तो वो बिल्कुल अभद्र व्यवहार किया मुझसे, जो कि शायद उस दिन भी शायद उसकी और मेरी बहस भी हुई थी, लेकिन किसी तरह से मामला ठंडा हुआ था। फिर इसे जल्द से जल्द निलंबित किया जाना चाहिए, जो कि गांव में एक नया सचिव आना चाहिए और इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हंडिया की पंच बबीता राय, वार्ड नंबर 12 से पंच हूँ और हमारे सब लोग गांव के आदरणीय सब और हम पंच सरपंच सब लोग एकत्रित होकर आज तहसीलदार महोदय को आवेदन दिए हैं हमने सचिव योगी के खिलाफ, क्यों उसको निलंबित किया जाए क्योंकि उन्होंने हमारे सरपंच के साथ मारपीट की और इसके बाद उनकी FIR हुई करवा के। इसके बाद भी आज हमारी ग्राम पंचायत में ताला लगा हुआ है, सब गांव वाले परेशान हैं, गांव का सब विकास कार्य जो भी है वो सब रुका हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सचिव के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाए और उनको निलंबित करके हमको नया सचिव लाया जाए। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।